पांडे राजकुमार पांडे सर। तो आप रिटायर्ड आईजी रह चुके हैं और सबसे अच्छी बात है यूनिवर्सिटी का कनेक्शन ये है, ये यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर लखनऊ में पोस्टेड थे तो वी वॉज ऑल्सो इंचार्ज ऑफ द यूनिवर्सिटी और बहुत चीज़ें उन्होंने उस समय की बताएंगे। और सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं आपका साहब वेलकम। गुड आफ्टरनून टू ऑल, वी आर वी फील ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी इलस्ट्रियस डिग्नेटरी विद अस। ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आई वेलकम श्री राजेश कुमार पांडे ऑफ आईपीएस बैच 2003। वन माइट थिंक दैट सर इज फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड बट Toward his merit, but I had seen that he is postgraduate from botany, and apart from postgraduation in botany, he was junior research fellow and senior research fellow in botany in from Allahabad University, and also research associate in IARI. As far as his awards are concerned, he have got a plethora of awards, but the most significant awards are that he had received 4-time gallantry medal by Honorable President of India. 2016. He also got the President of India Indian Police Medal for meritorious service in the year 2005. Apart from that, he got United Nations Medal for peacekeeping in Kosovo in 2008. And also he had been awarded Silver Commendation Disc from DGP UP in year 2018. Had got Gold Commendation Disc from DGP UP in year 2020. Apart from that, he was also awarded with Platinum Disc from DGP UP in year 2021. The important position which he had apart from his tenure in Lucknow University, around Lucknow University in 1995, is he was SSP at Lucknow, Meerut, Saharanpur and Aligarh. He was SP ATS, SP Raibareli and Gonda. He was also IG Bareilly Range and retired from IG election, DGP headquarters. Presently, he is nodal officer for Purvanchal and Bundelkhand Expressway in UPEDA from October 2021 till date. And also, he is having a secretary position conferred by Honorable High Court, Lucknow Bench of Allahabad, and for oldest Hanuman Temple of Lucknow Aligarh, Sri Mahavir Ji Trust. So we all are grateful to you, sir, for sparing your invaluable time to share your thoughts on crime control in democracy. And I, on the behalf of Department of Chemistry, University of Lucknow, sir, invite you to share your thoughts on this particular very important topic. थैंक यू सर। यहाँ पर उपस्थित केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी सरानी उषा साहब और ओपी सर मैडम, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ ज़्यादातर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स के बीच में बुलाया है। वैसे इस कैंपस से बहुत लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा, 95 में एग्जैक्टली डेट मुझे याद है, December 1, 1995, व्हेन आई वाज
here in Lucknow as DSP and was posted as CO Mahanagar. और ये जो शांति आप अभी देख रहे हैं, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर और अपने ग्रेडिंग में टॉप पर है, 95 से और 2000 तक का पीरियड लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस का ये कैंपस बहुत टर्बुलेंट पीरियड जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बता रहा था, प्रोफेसर शुक्ला प्रॉक्टर हुआ करते थे और हमारे एस पी ट्रांसगोन थी, मैं सूर्य कुमार साहब SSP हुआ करते थे, सारे लोग वही प्रॉक्टर ऑफिस में बैठे रहते थे। इतना क्राइम का इतना बुरा हाल था यहाँ पर, बहुत से उसमें बहुत से लोगों के साथ अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं कैंपस के भीतर। खैर उन सब में अब जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है और आप जो देख रहे हैं या जो एंजॉय कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये कंटिन्यू करता रहे। आज के टॉपिक के बारे में सर ने जैसा टॉपिक दिया था, क्राइम कंट्रोल इन डेमोक्रेसी, और G20 के जो ढेर सारे विचार विमर्श सब जगह हो रहे हैं उसी की कड़ी में रसायन विज्ञान विभाग ने ये शुरू किया है या किया है या आज जो कर रहे हैं, बहुत जिसको कहते हैं कि बड़ा सूदिंग है, बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि इन सब्जेक्ट्स पर भी बोलने के लिए बुलाया गया और ये समझा गया कि नहीं ये सब्जेक्ट भी हैं क्राइम से रिलेटेड भी, जिनका कोई कोई इम्पोर्टेंस G20 के तमाम जो इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडेक्स हैं इनके या जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उसमें इसको शामिल करके कहा गया है। देखिए क्राइम के बारे में किसी को बताना नहीं, सब आप लोग जब से जानने लायक हुए होंगे, जब से पढ़ रहे होंगे अपराध, अपराधी और अपराध करने के तरीके, और रोज ही सुनते हैं, तब से सुन रहे हैं और आज भी सुन ही रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्राइम कंट्रोल, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्राइम कंट्रोल, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्राइम कंट्रोल, ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। मैं यूपी की STF और ATS दोनों का फाउंडर मेंबर हूँ। STF भी की शुरुआत जब हुई थी और ATS दोनों ही जरूरत पड़ने पर दोनों यूनिट्स या दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बनाए थे। 98 में जब क्राइम बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने चरम पर था इसी लखनऊ में, इस प्रदेश में, तब STF का गठन किया गया और इसका गठन भी माफिया से, जिसे आप कहते हैं माफिया शब्द, वैसे तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में बड़ा भारी अर्थ है इसका, विकिपीडिया में देखेंगे बड़ा भारी अर्थ है, लेकिन माफिया जो कॉमन लैंग्वेज में हमारी आपकी लैंग्वेज में माफिया उसे कहते हैं जो अपने टर्म्स और कंडीशन पर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को प्रभावित करता है। वो ठेकेदार भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, माफिया भी हो सकता है या किसी दूसरे फील्ड से होता है। उस समय न्यूयॉर्क जैसा शहर, वो भी ऐसा कहा जाता था कि, और आज भी कहा जाता है कि माफिया राज अगर असली किसी को देखना है US में तो न्यूयॉर्क शहर में देखे। इस माफिया राज को खत्म करने के लिए वहां NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना की। ठीक उसी समय यहां पर उत्तर प्रदेश में एक अपराधी था श्री प्रकाश शुक्ला, उसने शहर में ही शहर में बहुत बड़े बड़े अपराध किए, प्रदेश में बड़े बड़े अपराध किए। राजीव रतन शाह साहब यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और यहाँ पर जब दो तीन, एक तो विधानसभा चल रही थी और AK-47 से कुछ लोगों की हत्या हुई दिलीप होटल में, उसके बाद एक बड़े यहाँ सोलोमन दवाइयों में बड़ी भारी कमी थी इंडिपेंडेंस के पहले से, उसके जो मालिक थे KK रस्तोगी उन्हें उनके घर के बाहर निकलते समय गोली मार दी गई और उनके लड़के कुणाल को किडनैप कर लिया जिसमें रैंसम दिया गया। उस फैमिली को राजीव रतन शाह साहब जानते थे,
पहले से, तो तभी ये कहा गया कि साहब यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसको डिक्शनरी में माफिया माफिया से भी कहते हैं, उससे लड़ने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए किसी स्पेशल यूनिट की जरूरत है। और राजीव रतन शाह साहब न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में वो NYPD के दफ्तर गए, वहाँ उन्होंने NYPD बनने के पहले की सिचुएशन क्या थी क्राइम की और उसके बाद की क्या हुई, फिर एक कागज़ में लिख के ले आए वो, और यहाँ आते ही कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनसे डिस्कशन के बाद STF की स्थापना की 4 मई 1998 को। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने में आसानी हुई, बहुत UP पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और लगभग 4-5 सालों में क्राइम को जो उसकी जगह होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाया। ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अब सवाल ये है कि ये डेमोक्रेसी और क्राइम ये कैसे, जैसे आज भी मेक्सिको जरम भाई ऑर्गेनाइज माफिया, आज भी सीरिया जो वैसे तो समय बुरी हाल में है लेकिन वो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी माफिया ही चला रहे हैं। यानी मोटी मोटी चीज़ ये समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी और क्राइम ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक साथ नहीं ग्रो कर सकते। जहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी वहाँ क्राइम कम होगा, और जहाँ क्राइम बहुत स्ट्रांग होगा, क्राइम बहुत ऊंचे दर्जे का होगा, क्राइम बहुत आगे होगा, क्राइम के स्टेटिस्टिक्स आपको चौंकाने वाले होंगे, वहाँ डेमोक्रेसी कभी बना नहीं सकती। तो ये चीज़ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, डेमोक्रेसी और क्राइम। हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो हमारी है वो हमारे संविधान से हमको मिली, टाइम टेस्टेड है। इतने सालों में डेमोक्रेसी में देश में और प्रदेश में भी सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर द इलेक्शंस जितना स्मूथ यहाँ हुआ है कहीं नहीं हुआ है। अभी ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन आए और सत्ता परिवर्तित हुई थी उसके बाद आप लोगों ने सबने TV पे देखा होगा, लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए हो, क्या बहुत तमाशा हुआ उसमें, आज भी कोर्ट के दौरान ये सब चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारी स्ट्रांगनेस दी डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, पार्लियामेंट मिला, जुडिशरी मिली और बाकी और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले और समय समय पर वो और स्ट्रांग होते गए। मैं जिस पीरियड की बात कर रहा हूँ 90 से 2000 के बीच में, उस समय जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उसमें इन रोड्स बनाई इन्हीं क्राइम से रिलेटेड लोगों ने। आप इतिहास अगर उठा कर देखेंगे अभी हाल का, तो 90 के बाद से विधानसभा और लोकसभा में ऐसे लोगों की भीड़ लग गई जिनका लंबा लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उसके भी कारण रहे हैं। पहले जिन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल बूथों को लूटने के लिए ठेका दिया जाता कि साहब आपको 5 बूथ आपको 6 बूथ, और तब ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करते थे, और ये लोग बूथ पे पहुंच गए, उन्होंने स्टैम्प निकाला किसी पर्टिकुलर आदमी या पार्टी के लिए, सब स्टैम्प किया मोड़ के, उसमें साहब आपने तो जमाना देखा होगा कि वो स्टैम्प किया और डाल दिया, गिनती हुई वो जीत गए। फिर इन हुलिगन्स ने, इन बदमाशों ने, इन जो तत्व हैं, इन लोगों ने सोचा हम दूसरे के लिए ये सब कर रहे हैं, क्यों ना हम अपना धंधा इसी में शुरू करें। और फिर एक के बाद एक के बाद एक नाम जो सबसे फेमस इसमें हुआ वो शहाबुद्दीन का हुआ, बिहार की तमाम जो फैमिलीज हैं उनका हुआ, पंजाब की कुछ फैमिलीज का हुआ, जम्मू कश्मीर की कुछ फैमिलीज का हुआ, कि वो इलेक्शन दर इलेक्शन यही काम करते रहे। बाद में TN Sessions साहब का, स्वर्गीय TN Sessions का उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक सेटअप के फ्रेमवर्क में बनाए रहने के लिए जो योगदान शेषन साहब का है वो शायद ही किसी का हो। ये सब चीज़ें बंद हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई,
क्रिमिनल्स के जो इनरोड इधर डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, भाई हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो हमारा पार्लियामेंट है, असेंबलीज है, उच्च सदन है, निम्न सदन है, इन लोगों ने सब ने उसी में रास्ता बना लिया। और जब ये वहां पहुंच गए और इनसे ये अपेक्षा थी, कॉन्स्टिट्यूशन ये अपेक्षा करता है कि आप लोगों की भलाई के लिए कानून बनाएंगे, लोगों की भलाई के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, निचले सदन से पास होगा, उच्च सदन से पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश लाएंगे, फिर उसके बाद वो कानून की शक्ल लेगा, तमाम अमेंडमेंट्स। इनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे आप खुद ही समझ सकते हैं, और ये क्या करते होंगे उस समय। बहरहाल ये चीज़ें अब ठीक हो गई हैं, इन चीज़ों में बहुत सुधार आया है। अब हम प्योर क्राइम की बात करेंगे, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मैं यहाँ जैसा सर ने बताया कि मैं सी ओ हजरतगंज रहा, यहाँ पर सी ओ महानगर रहा, सी ओ कैसरबाग रहा, फिर 3.5 साल तक एस पी सिटी रहा, और अभी 2017 में मैं यहाँ SSP भी रहा। प्रदेश की राजधानी है और देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। क्राइम का हर कोना, क्राइम का हर टाइप, क्राइम जितने भी भागों में आप विभक्त करना चाहें वो सब यहाँ लखनऊ में मिलेंगे। जो लोग पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं लखनऊ को, अब वो चीज़ें जो पुरानी हुआ करती थी ऐसी नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। 30 मई 1997 को यूपी ईस्ट सर्किल का पहला मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, 97 30 मई। लेकिन 98 दिसंबर तक इसके चार्जेज इतने हाई थे कि वो सबके बस का नहीं था। शायद किसी को पता हो, क्योंकि सब ये जनरेशन उसके बाद की है, 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल थी और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल थी। याद है किसी को? हम आप लोगों को तो याद होना चाहिए, उस समय 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल। दो ही ऑपरेटर हुआ करते थे, उषा फोन्स एंड एसआर, यही दो ऑपरेटर थे तब। ये कंपटीशन और ये जो बिडिंग होती है 10-10, 12-12 मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की, तब ये नहीं थी। CCTV लगते नहीं थे कहीं पर, महंगे होते थे। यहीं पर गोल मार्केट में और हजरतगंज में कुछ जो बड़े ज्वेलर्स थे और कुछ बड़े व्यवसायी, वो अपने कैश की हैंडलिंग जहां होती वहां एक कैमरा लगाते थे और उनका आदमी बैठ के देखता था कि उनका कैशियर उसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है। और एक घटना भी मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन एक भी CCTV उस मार्केट में नहीं मिली। आज ये संभव नहीं है। उस जमाने में एक CCTV कैमरे की कीमत करीब करीब 70,000 रुपये हुआ करती थी, इसलिए सबके बस का नहीं था। आज CCTV कैमरे से मार्केट अटा पड़ा हुआ है, 10,000 वाले भी मिलेंगे आपको, 15,000 वाले भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पर देखें, उसमें हार्ड डिस्क उसकी एक एक टीवी के हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। आपको अगर ज़रूरत पड़ी कि साहब हमें परसों शाम को 4 बजे के इंसिडेंट को देखना है, आप उसको बाहर निकालिए, मेमोरी कार्ड में लीजिए, कंप्यूटर में लगाइए, सब स्मार्ट टीवी आ गई है उसमें लगाइए और उसको देख लीजिए कि आपका जिस इंसिडेंट को आप ढूंढना चाह रहे हैं वो कैसा है। लेकिन तब ये नहीं था, प्री मोबाइल एरा। मोबाइल की सर्विलांस की शुरुआत हम लोगों ने भारी जरूरत के बाद शिव प्रकाश शुक्ला को ट्रैक करने के लिए शुरू की थी, और उस जमाने में CDR हार्ड कॉपी मिलती थी, जो आप CDR आपको मेल पे आ जाती थी, मेल पे नहीं आती थी, हार्ड कॉपी में। हम लोग खुद इन दोनों मोबाइल जाते थे और किसी पर्टिकुलर नंबर की CDR निकाल के देखते थे और फिर उस आदमी का लोकेशन। अच्छा, लोग भी उस समय यकीन करने को तैयार नहीं होते थे कि साहब ये कैसे पुलिस इसको सुन सकती, इसमें तार नहीं है, क्योंकि जो टेलीफोन के रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट था कि वो आपका जो टेलीफोन का खंभा है वहाँ के DP बॉक्स में पैरेलल लाइन निकाल के हम लोगों ने भी किया, मेरे SSP थे अरुण कुमार साहब,
एसपी सिटी थे सत्यनवीर सिंह साहब, और उस समय इसी दौर से हम लोग गुजर रहे थे, तो जगह जगह डीपी बॉक्स से पैरेलल लाइन लेके वो जो पीडब्ल्यूडी वालों का टेंट होता है उसके नीचे बैठ के इसको सुनते थे, उस पर्टिकुलर नंबर को उसका माउथ पीस पे टेप लगा के, ताकि हमारी आवाज न जाए, अगले को ये पता न लगे कि ये फोन टेप हो रहा है, उसको सुनते थे, उससे लोकेशन निकालते थे। तो बड़ा कठिन समय था, अब तो सॉफ्टवेयर उसके सब आ गए हैं। पहले जो पहले फोन का इस्तेमाल करते थे, एंड्रॉयड तो नहीं आया था मोबाइल फोन का, अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं दो लोगों के कन्वर्सेशन को, तो एक सॉफ्टवेयर आता था, लेकिन उसमें एक पेज ये होता था कि जब आप सुनेंगे तो उसमें बीप आती थी हर 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद। तो जब ये जानकारी लोगों को हो गई तो बीप जैसे ही आती थी वैसे मोबाइल ऑफ कर देते थे लोग, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, हो सकता है दो लोग आपस में रिकॉर्ड कर रहे हों, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्ड करेंगे तो बीप आती थी। ये बात बहुत दिन की नहीं है, ये 98-99 के बाद। उसके बाद फिर एंड्रॉयड आया तो सारे ऐप आ गए, अब तो इनबिल्ट रिकॉर्डिंग के सिस्टम तमाम आपको चाइनीज मोबाइल ऐसे मिलेंगे कि उसमें सारे उसमें डिफॉल्ट सेटिंग में सारे कन्वर्सेशन चाहे आपने मिलाया हो या आया हो वो रिकॉर्ड होता है, और अगर आप नाम से किसी का नंबर फीड कर रखा है तो उसी फोल्डर में चला जाता है, सस्ते सस्ते मोबाइल हैं। और ग्रामीण अंचल में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो 100% रिकॉर्ड करते हैं, शहर में तो हो सकता है 50% लोग न करते हों, लेकिन ग्रामीण अंचल में सबके पास वही मोबाइल है और वो रिकॉर्ड करता है, आप किसी कभी भी चेक करके देख सकते हैं। आप यहीं से काकोरी और पक्षी का तालाब में किसी को मिलाइए, अगर स्थानीय आदमी हो, किसान हो या वहाँ पर व्यापारी हो, वो अपने फोन में आपका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है, रखता है, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको दे भी सकता है, कभी उसको ज़रूरत पड़ी तो दूसरे को भी दे सकता है। तो अब धीरे 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 सीसीटीवी आ गई और जीपीएस लोकेशन आ गई, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आ गई, तो फिर क्राइम कंट्रोल में और इंस्टीट्यूशंस देखे, जो ये कहा गया कि क्राइम कंट्रोल एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसा मजबूत आदमी ना होता तो कभी एसटीएफ नहीं बन सकता। एसटीएफ बनी, सक्सेसफुल हुई, और हमारे जो जिस जीओ से बनी थी, जिस गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी थी, एग्जैक्टली उसी गवर्नमेंट ऑर्डर से वेस्ट बंगाल की एसटीएफ, मध्य प्रदेश की एसटीएफ, राजस्थान की एसटीएफ, सबका लाइन बाय लाइन शब्द ब शब्द जो उनका गवर्नमेंट ऑर्डर है, यूपी एसटीएफ जिस तरह से बनी थी उन्होंने बनाई। अब तो खैर पैन इंडिया सभी लगभग सभी स्टेट के पास अपनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अलग अलग तरह के क्राइम से लड़ने के लिए, लेकिन फिर वही बात कि देखिए एक बात और बहुत स्पष्ट आप समझ लें, लॉ के स्टूडेंट या लॉ जानने वाले कम होंगे, लॉ एंड ऑर्डर कोई स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता होगा सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टेट होते हैं, कुछ कॉन्टिनेंट लिस्ट में होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, क्राइम का लड़ना वो स्टेट की जिम्मेदारी है, क्राइम से लड़ना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट्स ने बनाया, और जो पहले अपराध की जो सीरियसनेस थी अब उतनी नहीं है। देखिए इंडिविजुअल अपराध तो होंगे, क्योंकि इतना बड़ा इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा सेटअप है, 120 करोड़ की जनता है, तो कोई ये क्लेम करे कि साहब हम इसको अपराध मुक्त करेंगे, ये संभव नहीं है। पारिवारिक विवाद में जो अपराध है इसको कोई नहीं रोक सकता, पति पत्नी का विवाद कोई नहीं रोक सकता, भाइयों भाइयों के जमीन का प्रॉपर्टी का विवाद कोई नहीं रोक सकता। हम टाल सकते हैं कि हत्या जो है वो पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया तो साल भर टल जाए, लेकिन अगर एक दूसरे को मारने पे आमादा है तुम्हारे लिए, हमारी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज क्राइम की। इसी लखनऊ में राकेश अग्रवाल की किडनेपिंग हुई पोलिटिकल संरक्षण, इट वॉज इन 1994-95, के रसोई के लड़के की किडनेपिंग हुई, रैंसम पे किया उसने, बहुत ढेर सारी ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इट हैज बिकम अ इंडस्ट्री।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग, आप लोगों में से कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर है कोई? अरे अपराध नहीं पूछेंगे, बता दीजिए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो जानते होंगे कि किडनैपिंग एक उद्योग है, वहां पर एक इंडस्ट्री है, वहां पर ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा बड़ा आदमी है। और एसटीएफ में रहते रहते मैंने कम से कम 50-60 से ज्यादा बड़ी किडनैपिंग जिसमें रैंसम 10 करोड़ के ऊपर भी किया गया है, 5 से 10 करोड़ के, उस तरह के केसेस हम लोगों ने एसटीएफ में देखे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बता दूं, मोबाइल आ गया था इसीलिए वो खुल भी पाया। कोटा में आई थी इसकी कोचिंग है, वहां पर ये सिक्योरिटीज वाले हैं मुंबई के, बहुत बड़े बहुत उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है। रामदेव अग्रवाल जी का बेटा, वो कई अरबों का टर्नओवर है आज भी उनका। तो वैभव अग्रवाल आप नेट पे सर्च करिएगा, वो गया कोटा में कोचिंग करने के लिए, वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, सब होती है। और एक आईआईटी है जिसके साथ के लोगों ने कोटा में, जिसके बैच के लोगों ने कोटा में कोचिंग इस्टेब्लिश कर रखी थी, और वो उतना नहीं कर सका जितना उनके बैचमेट्स कर रहे थे। उसके दिमाग में आया कि अगर 10 करोड़ रुपए हमें मिल जाए तो मैं भी अपनी एक कोचिंग कोटा में खोल लूंगा, तो मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊंगा जैसे हमारे साथ के लोग। और उसने रामदेव अग्रवाल जो सबसे बड़े सिक्योरिटीज की और उसके व्यापारी थे मुंबई के, उनके बेटे को कोटा की किडनैपिंग में वो बाहर बुलाया, गाड़ी में बिठाया, किडनैप करके ले गया। बड़े लोग थे, उनका सब हम पैसा दे देंगे, पुलिस पीछे न पड़े, अकेला लड़का है हमारा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ये जो पैसा मांग रहा है, बात तय हुई 5 करोड़। ये अपने चार्टर प्लेन से 5 करोड़ कैश लेके दिल्ली है, हम लोगों को जानकारी हुई, पूरी टीम लगाई गई। वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से कहा कि साहब पुलिस को हटा लीजिए, ये पैसा दे लेने दीजिए, लड़का इनको मिल जाए, उसके बाद पुलिस जो चाहे वो करे। दो बड़े बड़े बैग्स में भर के और वो 5 करोड़ रुपए मुजफ्फरनगर के एक उस पर ढाबे पर एक्सचेंज की बात हुई, हम लोग सब सुन रहे थे, पूरी टीम हमारी गई थी। और जब टीम मेंबर्स ने देखा कि वो गाड़ी उसने किडनैपर ने अपनी खड़ी कराई, रामदेव जी उन्होंने अपनी खड़ी की और बड़े बड़े बैग ट्रांसफर हुए, तो जैसे कहते हैं कि रहा नहीं गया, कि अगर ये भी पता नहीं था कि वो लड़का जिंदा है, वह मर गया है, ये हुआ कि अगर ये पैसा भी ले गया और कल को वो पता लगा कि वो ही इज नो मोर, तो हम कहां मुंह दिखाएंगे। खैर रिस्क था, बड़ा रिस्क था, कुछ अगर हो जाता तो हम लोग सब सस्पेंड, पूरी टीम सस्पेंड। लेकिन हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कॉन्स्टेबल ने बहादुरी दिखाई, इजाजत दी हम लोगों से, और वही जो आदमी पैसा लेने आया था उसको दबोच लिया, पैसा रिकवर हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने लड़के के बारे में बताया, एक गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी के फ्लैट में उसको रखा गया था, बड़ा चर्चा का विषय बना था, उसमें 3-3 मुख्यमंत्री और बड़े लोगों का मामला था। आप नेट पर जाइएगा, वैभव अग्रवाल किडनैपिंग केस कोटा, भूलिएगा तो पता। लेकिन ये सब अपराध अब नहीं के बराबर जो ऑर्गेनाइज क्राइम में हुआ करते, तरह तरह के दूसरे अपराध अब आ गए हैं, लेकिन ये अपराध लगभग 0 तो नहीं हुए हैं, होते हैं, लेकिन उनका स्केल वो नहीं है जो 90s में हुआ करता था। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि उस समय क्राइम किस तरह का था। पुलिस, मैं ये नहीं कहता कि इग्नोरेंट थी, बहुत सी जगह पुलिस की संलिप्तता थी, और उनकी संलिप्तता की वजह से ही कोर्ट में ट्रायल्स में मुलजिम बरी हो जाया करते थे, समाज में उसका बड़ा निगेटिव इफेक्ट होता है। सपोज करिए मैं माफिया हूँ इलाके का और मैंने एक मर्डर किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने दूसरा मर्डर किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने तीसरा मर्डर किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो हमारे आसपास टोले पड़ोसी मोहल्ले के लोगों को ये लगेगा कि ये सर्वशक्तिमान, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर
वो अपने टर्म डिक्टेट करेगा, हमको आपको उसे फॉलो करना होगा। उसने कहा ये मकान खाली कर दीजिए, खाली हो गया मकान। नहीं खाली किया कोई उसके यहाँ एक आध मारे गए तब खाली हो गया। और ऐसा नहीं किससे हम लखनऊ जैसी जगह में नहीं हुए, बहुत ढेर सारे हुए। अब मोबाइल फोन आने के बाद ये इसमें चेंज आया है। तो एक दो एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा ताकि आपकी समझ में आएगा कि पहले ट्रायल भी मैनुअल होती थी, इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल होती थी। इन्वेस्टिगेशन का तो यह है कि साहब फला व्यापारी का मर्डर हुआ, सामने कोई आता नहीं था, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। पुलिस अपने गवाह प्लांट करती थी, साहब हम पान की दुकान पर खड़े थे और तभी वो ये बात कर रहा था कि इसको मारना है रुकना है, ऐसे चार गवाह खड़े किए, चार्जशीट सबमिट कर दी कि साहब सारी एविडेंस प्रॉपर है, साहब इन्हीं लोगों ने मारा है। ट्रायल में आया तो जिनके खिलाफ चार्जशीट लगी है वो लोग दो काम करते थे, या तो ये गवाह गवाही देने के लिए अदालत तक पहुंचे नहीं, और अगर फिर भी जिनकी इन्होंने सही वाले गवाह हुए तो ये मारे जाएंगे, ट्रायल में कुछ नहीं होगा, सब छूट जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा 24 जुलाई 1997 की। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्राइम को मैंने एक किस्सा हुई वो है, हमारा प्लेटफॉर्म है सिर्फ क्राइम, जो रियल क्राइम है, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, कैसे रोके जा सकते थे, ट्रायल में क्यों गड़बड़ी हुई, जुडिशियल प्रोसेस में क्या गड़बड़ी हुई, पुलिस की कनाइवेंस कहाँ थी, ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर क्राइम के बारे में मैं जानकारी देता हूँ आपको हमारी रिटायरमेंट, क्योंकि सर्विस में रहते हुए मैं ये कर नहीं सकता। तो 24 जुलाई 1997 को सुल्तानपुर जिले के बेलहरी जगह का नाम है, वहां पर जनता इंटर कॉलेज 97 की बात है, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें उसके प्रिंसिपल थे श्री मान बहादुर सिंह। जो लोग उधर हैं या अवधि काव्य में जिनका इंटरेस्ट है, बहुत बड़े कवि थे ग्रामीण अंचल के, उनकी दो जो काव्य संग्रह हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, एक का नाम था बीड़ी बुझने के करीब और दूसरे का नाम था भूत गृह। इन दोनों को शामिल कर लेकर तो करीब 20 के आसपास काव्य खंड काव्य उन्होंने लिखे थे, सिंसियर आदमी थे। वहां दो मैनेजमेंट का झगड़ा था, एक मैनेजमेंट को बाई हुक और बाई क्रूक लोगों ने डिस्पोजिस कर दिया, दूसरा मैनेजमेंट आया, दोनों अपने अपने आदमियों को रखने के लिए उन पर दबाव बनाने लगे। मान बहादुर सिंह वो यही कहते थे जो एज पर रूल या एज पर लॉ होगा हम वो करेंगे। बात इतनी बिगड़ गई कि 24 जुलाई 1997 को मान बहादुर सिंह साहब अपने प्रधानाध्यापक कक्ष में बैठे हुए थे, समय था दिन का 11:30 बजे, चार पांच लोग उनके कार्यालय में आए, वो चूंकि उनके स्टूडेंट रहे हैं या जान पहचान थी, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा गुरु जी आप हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो हम लोग भी आज तय करके आए हैं कि हम आपको बोलने का भी नहीं रखें। तो टीचर, अब जैसे सारे संभ्रांत सम्मानित हमारे टीचर बैठे हुए हैं, कभी गुस्से में बात नहीं करता टीचर, क्योंकि वो इतनी बार इतने बच्चों की परेशानियों को झेल चुका है, कभी रिएक्ट नहीं करता। अभी कोई एग्जाम मेरी फीस क्यों नहीं जमा हुई तो भी ये पूछेंगे, अभी डॉक्टर साहब पूछ भी भाई अपना स्टूडेंट आईडी बताइए, देखा उन्होंने अभी जमा है, ये नहीं कहा तुम ऐसे कैसे पूछ रहे हो, भाग जाओ गेट के बाहर, ऐसा नहीं कहता। उन चार पांच लोगों ने जब ये आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीज एंड प्लीज जब ये कहा कि हम बोलने का, अरे कोई बात नहीं होता, नहीं बोलेंगे तुम कहोगे तो ऐसी क्या बात है। इसी बीच में उनको खींच के कैंपस के बीच में जहाँ झंडा लगा होता वहां तक ले आए, लाने के बाद गोलियां मारी, चापड़ से उनका सिर अलग कर दिया। दिन के 11:30 बजे की बात, क्लोज कैंपस है उसका, उस कॉलेज का, जनता इंटर कॉलेज, 2500 बच्चे थे वहां पर, 75 टीचर्स भी थे, ऑफिस का पूरा स्टाफ था। एक आध किसी ने बोलने की कोशिश की,
उसको भी चाकू से मारा गया। कोई नजदीक है भाई क्या कर रहे हैं आप, नहीं रहा गया, बोल दिया और उसके बाद हाथ झाड़ते हुए सभी लोग वहां से चले गए। दबंग लोग थे, कोई FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। ऑफिस क्लर्क से पुलिस ने FIR कराई, हो गई। फिर वही चार पांच गवाह, तुम भी बोलो। ट्रायल पर जब मुकदमा आया तो ट्रायल में उस व्यक्ति ने जिसने FIR कराई थी, ऑफिस क्लर्क, बड़े बाबू कह लें आप जो भी कॉलेज के, उसने मना कर दिया, साहब मैं तो था ही नहीं उस दिन, मैं तो शादी में गया था, तो पुलिस ने जबरदस्ती लिखवा दिया। गवाह सब होस्टाइल हो गए, नामजद सारे लोग बरी हो गए, आज की तारीख में भी बरी है। कारण कोई CCTV फुटेज नहीं थी, उस समय एंड्रॉयड फोन नहीं थे, कोई रिकॉर्ड करता, हमें उन अपराधियों के लोकेशन को पुष्ट करने के लिए कोई CCTV नहीं थी, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक एविडेंस नहीं था, और इसकी वजह से सारे के सारे मुलजिम छूट गए, छूट ही नहीं गए, बाइज्जत बरी हो गए। ऐसा लगा जैसे प्रिंसिपल साहब के साथ, मान बहादुर सिंह के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, या वो मरे ही नहीं है। भाई हत्या हुई है, किसी ने की है, किसने की है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है पता करना किसने की है, और फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोर्ट तक ले जाइए और ट्रायल करिए। तो ये 97 में हम इस जगह पे खड़े हुए, और जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे उनमें से दो लोग पोलिटिकल भी हो गए आगे चल के, नाम लेना उचित नहीं है। बहरहाल ये इसलिए था कि हम पंग थे, हम उस समय गठबंधन की सरकारों का दौर था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए थे जितना होना चाहिए था, जो अब हो गए हैं वो तब नहीं थे। पुलिस के पास जो संसाधन थे, पुलिस को सबसे कम संसाधन जानबूझ के दिए जाते थे। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज आज की तारीख में हर जिले में हैं, वो सिर्फ दो जगह हुआ करती थी, एक आगरा में और एक लखनऊ, लखनऊ में महानगर में और आगरा में FSL की अपनी लेबोरेटरी है। और किसी चीज की जांच के लिए, जैसे विसरा की जांच करनी है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जांच करानी है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करानी है, आपने अगर भेज दिया तो 2 साल तक आपको वेट करना होगा, तब तक उस केस की का दम टूट जाता था, दम ही कर जाता था। दूसरा एक और उसी दरमियान का एग्जाम्पल है, वो है 2001 का, महानगर के गोल्ड मार्केट में कानपुर के सबसे बड़े सराफा व्यापारी रूपचंद अग्रवाल जी, वो हफ्ते में एक बार कानपुर से आते थे, नए गहनों की, नए उसकी वो जो उसके नमूने थे उसको लेके आते थे, उसका ऑर्डर प्लेस करते थे, और जो पिछली बार ऑर्डर दे गए हैं उसका पैसा वसूलते थे। किसी ने रैकी कर रखी थी, उनको कानपुर से फॉलो किया गया। वो जो गोल मार्केट वाला तिराहा है, उसी तिराहे पे वो उतरे, सड़क क्रॉस करके, और ज्वेलर्स का नाम था कॉर्नर में, किसका है, बद्री का, बद्री वाले यहाँ जाने के लिए डॉक्टर साहब जैसे ही निकले वो, वैसे वहाँ पर खड़े हुए 3 बदमाशों ने उनके हाथ का बैग छीन लिया, उन्हें गोली मार दी और वो वहीं मर गए। मैं उस समय SPCT लखनऊ पोस्ट था, और पूरा पुलिस महकमा लग गया कि कहीं CCTV मिल जाए, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को कवर करने वाला एक भी CCTV महानगर जैसे बड़े मार्केट में उपलब्ध नहीं था। उसमें एक बर्खास्त सुधा सिपाही था जिसने ये गोली मारी थी, और फिर वो सब वांट ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं था, जो लोग गवाही में थे वो गवाही तक पहुंच नहीं पाए, कुछ मारे भी गए, तो वो खत्म हो गया। यानी इसी लखनऊ में महानगर जैसे बड़े मार्केट में एक भी CCTV नहीं थी, और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मोबाइल यानी एंड्रॉयड के आने के पहले क्राइम जैसा हुआ करता था और उसके बाद, इन दोनों में क्या फर्क है। इसी विकासनगर में
कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिसमें ब्रॉड डे रॉबरी नहीं होती थी। मारुति वैन में बैठ के बदमाश आए, एक दिन पहले रेकी कर रखी है, घर के मर्द सब नौकरी पे गए होंगे, सिर्फ औरतें हैं। कॉल बेल बजाई, पानी के लिए कहा, भीतर घुस गए, सबको बांध के बाथरूम में डाल दिया और सारा कैश और जेवर लेके चले गए। हर दूसरे दिन की कहानी थी। अब ये संभव नहीं है, बिल्कुल कतई संभव नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी से मोर देन 60% इलाका लखनऊ का, शहरी इलाका, वो सीसीटीवी से कवर है। सरकारी से नहीं, आपने अपनी सुरक्षा के लिए, कोई घर ऐसा नहीं है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने गेट के बाहर, अपने टेरेस के बाहर से सीसीटीवी न लगा रखा। लेकिन उस जमाने में यही दुर्घ थी। इस समय के एक केस का मैं और जिक्र कर दूं, उसे आप और क्लियर हो जाएंगे। एक बड़ा फेमस मर्डर सूरत में हुआ, बच्चियां खासकर अगर थोड़ा भी ध्यान रखती होंगी तो उनको ध्यान होगा। ये था ग्रीष्मा बोकारिया मर्डर केस। किसी ने कभी पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा, अभी का है, तीन चार चार पांच महीने पहले। ये बात है 12 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022 की। लड़की थी ग्रीष्मा बकरिया, उम्र थी इसकी 20 साल। अपने घर के बाहर ये कॉलेज से लड़का जिसने मारा, और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ये भीतर आई, पीछे पीछे वो लड़का आया, कॉल बेल दबाया तो उसका चाचा निकला, तो उसने कहा ग्रीष्मा को बुला दी। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उनका बुला दी कि नोट्स एक्सचेंज कर। खैर वो आ गई, चूंकि वो पहले से जानती थी और उसको पता था कि ये हमारा पीछा करता है, लेकिन ऐसा कुछ करेगा ये शायद उसको आइडिया नहीं था। उसने उसको खींचा, लड़की को, ब्रॉड डे लाइट घर से मेन गेट से खींच के बाहर गया। सामने एक बड़ा पार्क, ग्रीष्मा बोकारिया मर्डर केस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं देखिएगा, बाहर ले आए, भीड़ इकट्ठा हो गई, ऑन लुकर्स की, मोहल्ले वालों की। उसने गले में चाकू लगाया उसके और कहा खबरदार अगर कोई बाहर आए तो, कोई पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। तो लोगों ने पूछा मैं चाहती क्या, बोले मैं इससे शादी करना चाहता। तो उनके घर वालों ने कहा नहीं साहब, ये बात हो चुकी है, ये शादी संभव नहीं है। और उसने सबके सामने गला उसका 2 बार स्लिट कर दिया, वो गिरी मर गई। 127 लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया, बच्चों ने, यंग जनरेशन के लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया, 127। खैर जब वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा तब तो पुलिस आ गई, पकड़ा गया। उसका नाम था फेनिल पंकज गोयानी, उम्र इसकी भी 20-21 साल। पुलिस का काम कितना आसान हुआ, इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ उन 100 लोगों की का स्टेटमेंट हुआ कि साहब आप मौके पे तुम कहां सब थे, ये वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी? हाँ साहब हमने रिकॉर्ड की थी। कितना समय रहा होगा? ये समय रहा होगा, उनके सारे जितने 100 लोगों के मोबाइल फ़ोन थे उनसे 20-20 दिन के लिए लिए गए, और इन सबको फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेज दिया गया। ये तय हो गया कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो सबमिट किए हैं इन्होंने, वो इनकी ही मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है। उसकी सीडीआर निकाली गई, तो उन सभी रिकॉर्ड करने वाले लड़कों की वहाँ पर मौजूदगी निकली। 72 दिन के भीतर चार्जशीट सबमिट हो गई, करीब 850 केवल वो आपका फॉरेंसिक एविडेंस, यानी वो उसका जो वीडियो क्लिपिंग है, वो उनके बयान, घर वालों के बयान, जिसने दरवाजा खोला उनके बयान, ये सब छोटी मोटी चीजें। 72 दिन तक सुनवाई हुई और फिर उसको 5 मई 2022 को फांसी की सजा सुना दी गई। यानी 12 फरवरी का इंसिडेंट, सारे के सारे फॉरेंसिक एविडेंस, गवाही की जरूरत है, वहां का जो सरकारी सीसीटीवी था उसकी भी रिकॉर्डिंग ली गई, उसके भी जो उनका बॉक्स था उसको निकाल के उसका फॉरेंसिक ऑडिट, और इन बच्चों की जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था,
इसी पर ट्रायल हुआ। अब वो केस अपील में हाई कोर्ट अहमदाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही जजमेंट सेशंस कोर्ट का अपहेल्ड होगा, यानी हाई कोर्ट उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग ले जाते हैं तो भी कोई चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस। ये अंतर आया है कि आज आप अगर समाचार देखते हैं, इस बीच में बहुत ढेर सारे क्राइम की स्टोरीज हैं, उनमें से 80% सीसीटीवी फुटेज से खुली है। 80% आप अपने जहां आप रहते हैं वहां अगर अगल बगल आप देखेंगे तो आपके अगल बगल में हर 15-20 कदम के बाद कोई कोई सीसीटीवी किसी के घर पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इतना अंतर आया है, और ये तभी संभव हुआ है जब हम डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं। पॉलिटिकल सेटअप ने उन चीजों को सुना कि साहब हमको जो एफएसएल है उसकी जांच में देर हो गई, सब हर जिले में एफएसएल की एक मोबाइल टीम दे दी गई और हर रेंज हेडक्वार्टर में एक फॉरेंसिक यूनिट इस्टेब्लिश कर दी गई। बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें हैंडराइटिंग वाले भी हैं, बैलिस्टिक वाले भी हैं, केमिकल वाले भी हैं, सीरम वाले भी हैं और विसरा वाले भी हैं, ये सारे लोग। आपने देखा होगा पुलिस में जो बहुत बड़ा आरोप रहता है, दो आरोप पुलिस में सबसे ज्यादा लगते हैं, एक घटना होने के बाद देर से पहुंचने का, दूसरा रिश्वत लेने का। खासकर जो दोपहिया वाहन वाले बच्चे होंगे यहाँ, वो सामने चेकिंग होते देखते हैं जब उनकी ट्रैफिक वालों की, तो उनकी रूह रुकाम जाती है, इसलिए नहीं कि ये मारेंगे पीटेंगे पैसा मांगेंगे भैया कि तुम्हारा चालान हम करेंगे, तुम्हारा पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, पैसा मांगे। इस बात को जब डीजी साहब के स्तर से उठाया गया तो अब ये वो जो बॉडी वॉर्न कैमराज जो ट्रैफिक वाले होंगे हजरतगंज के आसपास जितने ट्रैफिक वाले होंगे सब भी ये बॉडी वॉर्न कैमराज, वो जो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, तो वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, पैसे की बात ही नहीं करेंगे आपसे क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो जो जेन्युइन है वो होगा। ये सब तब संभव है जब हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो हमको आपको भी आगे आना होगा, हमको आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए, ये ठीक है आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की, सारी जिम्मेदारी पुलिस की, लेकिन अपनी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। बस अब टाइम हो गया है, 2 मिनट और बस लास्ट। आज जो हमारी समझ, देखिए सबसे बड़ा काम इस उसमें कोरोना में हुआ, एक तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का, जैसे मैं अपने बच्चों की फीस के लिए कभी भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करता था, डरता था कि बीच में कहीं हैक हो गया तो सब पैसा निकल जाएगा, कभी नहीं करता था। हम जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में रहे अपने अकाउंटेंट को दिया, अकाउंट नंबर दिए, भाई इस फीस का पैसा इसके अकाउंट में डाल दिए। मजबूरी में कोरोना के टाइम में हमने भी सीखा, और आज की तारीख में बच्चे तो कैश लेकर डॉक्टर साहब चलते ही नहीं, इनको चाय भी पीनी हो तो वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे उससे पैसा पेमेंट कर देंगे, सब्जी लेना हो तो सब्जी वाला भी वो स्टैंड पर खड़ा किया जाता है, ये ऐसा नहीं था 2 साल पहले। तो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हुए ये सबसे बड़ा काम हुआ। दूसरा बड़ा काम हुआ एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन सब चीजें, ऑलमोस्ट कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। इसमें मैंने भी डॉक्टर साहब उसी पीरियड में कैम्ब्रिज से ऑनलाइन कोर्स कर लिया, क्योंकि वो सब बंद हो गए, अब उन्होंने उनको भी चलाना है, टीचर्स को तनख्वाह देनी है, सेटअप चलाना है, बिल्डिंग भी चली नहीं जाएगी, बिजली का बिल उनको देना है, किराया देना है, तो उन लोगों ने सब ने छोटे छोटे 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऑनलाइन कोर्सेस स्टार्ट किए, बहुत से लोगों ने किए। ऑनलाइन ट्रांसफर्स का है, ऑनलाइन जो पैसे की लेन देन की बात है, इससे साइबर क्राइम बहुत बड़ा। साइबर क्राइम की फ्रीक्वेंसी जब हम लास्ट डीआईजी और आईजी बरेली थे अभी 2021 में,
जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था उसके पहले वो संख्या बहुत कम थी और एक तरफ का क्राइम था कि आपसे पूछा कि भाई आप आपका जो एटीएम है उसका वो बताइए नहीं 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगा फिर आप परेशान होंगे ये हुआ आपको पहला पूछा कि आपसे वो 4 डिजिट का कोड आपसे ले लिया और जैसे ही आपने दिया वो धड़ धड़ करके आपके अकाउंट से 10,000, 20,000, 50,000 जब तक आपको होश आए जब तक आप उसको पढ़ें जब तक आप अपने अकाउंट को ब्लॉक कराएं तब तक 1,50,000 रुपए का चूना आपको लगा दिया। ये बड़ा नॉर्मल सा क्राइम था साइबर क्राइम था लेकिन पब्लिक इससे बहुत अफेक्टेड थी। उसके बाद फिशिंग शुरू हुई आपके पूरे के पूरे अकाउंट का एक पेज खुला आपसे पासवर्ड और उसका ईमेल मांगा गया आपने जैसे ही भरा वैसे वो क्रैश कर गया और इस बीच में आपका पैसा निकल गया और इस तरह के 10-12 बड़े क्राइम। अब देखिए सारी उस समय तक तो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारी नहीं थी लेकिन आज सारे हमारे घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जितने कोर्सेज यह कराती है सब क्लाउड पे डालती है पहले ऐसा नहीं था क्लाउड परचेज करते हैं क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी और उसी तरह से साइबर क्राइम में स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ आदमी आपके अकाउंट को खाली कर देगा आपको पता नहीं लगेगा। हमारे पास जो कानून है आईटी एक्ट डोमेस्टिक छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल क्राइम के लिए भी हमारे पास बहुत इफेक्टिव कानून नहीं है। टेरर फंडिंग के लिए भी हमारे पास अफगानिस्तान से ओपीएम का रॉ मटेरियल चला पाकिस्तान के थ्रू बैंकॉक गया बैंकॉक से लैंड करके वो काठमांडू आया काठमांडू में लोकल ये जितने बदमाश लोग हैं ये लगे हुए हैं ज़्यादा पैसे देके इन्होंने खरीद लिए वो पैसा सब टेरर फंडिंग में चला गया। इसको भी चूंकि 6 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं इसको भी रोकने के लिए कोई बहुत इफेक्टिव हमारा अपना कानून यहाँ यूपी में होगा या इंडिया में होगा तो NIA उसको कर देगी लेकिन जहाँ 5-5-6 कंट्रीज होंगी हमें दिक्कत होगी। तो डॉक्टर साहब G20 का जो उसका प्रिंसिपल था वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए और इसमें वो 3 चीज़ों की बात करते हैं लीगल इम्प्रूवमेंट लीगल रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में कम से कम हम आपके माध्यम से या बच्चों के माध्यम से या इस हॉल के माध्यम से 2-3 क्राइम इस तरह के हैं जैसे साइबर क्राइम टेरर फंडिंग और फाइनेंशियल क्राइम ये अभी तक G20 के एजेंडा में कहीं इंक्लूडेड नहीं है कि कम से कम हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं इनमें से कोई कहीं अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उनके लिए कॉमन कोड हो। देखिए उनके लिए ना हम बना सकते हैं कोई कानून ना वो हमारे लिए बना सकते हैं लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि इस तरह के क्राइम को किसी देश में अगर हमारे नुकसान के लिए किया जा रहा है या किसी देश के माध्यम से हमारे नुकसान के लिए किया जा सकता तो हम कैसे प्रोसीड करें। तो बस इतनी सी बात करनी थी काफ़ी समय बच्चों का ले लिया मैंने और कोशिश तो की बहुत ज्ञान की बातें आपको ना बताऊँ जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो बताऊँ। तो मैं आपका प्रोफेसर साहब का मैडम का